Hello kids, how are you? I hope you all are fit and fine. Today is our activity session. बेटा आज की एक्टिविटी क्लास में हम ड्राइंग बुक में हाउस बनाएंगे. हाउस बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? मैच स्टिक एंड फेविकोल. आपको पता है मैच स्टिक क्या होती है? दिस इज मैच बॉक्स. मैच स्टिक कहाँ होती है? मैच बॉक्स में. बेटा आपने मैच बॉक्स के साथ शरारतें नहीं करनी, ओके? आपने मम्मी या पापा की सुपरविजन में एक्टिविटी करनी है. बेटा हम मैच स्टिक से हाउस बनाने जा रहे हैं ना. आपको पता है हाउस क्या होता है? जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वो क्या होता है? हाउस. और जिस बिल्डिंग में हम फैमिली के साथ रहते हैं वो क्या बन जाता है? होम. आज हम बिल्डिंग बनाएंगे, हाउस बनाएंगे. बेटा अब आपने क्या क्या लेना है? ड्रॉइंग बुक, मैच स्टिक्स एंड फेविकोल. बेटा ड्रॉइंग बुक में प्लेन पेज ओपन करके और फिर मैच स्टिक के ऊपर फेविकोल अप्लाई करके आप थोड़ा थोड़ा फेविकोल अप्लाई करोगे, ओके? ज्यादा फेविकोल अप्लाई नहीं करना. पहले हम स्क्वायर बनाएंगे. आपको पता है ना स्क्वायर की फोर साइड्स होती हैं. पहले हम स्क्वायर बनाएंगे वन साइड. अब हम इसकी दूसरी साइड बनाएंगे. एक और मैच स्टिक लेंगे, उसके ऊपर फिर से फेविकोल अप्लाई करेंगे और अब हम इसकी दूसरी साइड बनाएंगे. लाइक दिस. बेटा आपने फेविकोल ज्यादा अप्लाई नहीं करना, लिटल लिटल अप्लाई करना है, ओके? अब हम इसकी तीसरी साइड, थर्ड साइड बनाएंगे. अब देखो थ्री साइड्स बन गई ना. अब हम इसकी फोर्थ साइड बनाएंगे. स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? फोर साइड्स होती हैं और फोर साइड्स इक्वल होती हैं. अब देखो अब ये स्क्वायर बन गया. बेटा अब हम इस स्क्वायर के ऊपर एक ट्रायंगल बनाएंगे. देखो वन साइड बनी हुई है ना, ट्रायंगल की थ्री साइड्स होती हैं. अब हम टू साइड्स और बनाएंगे. एक और मैच स्टिक लेकर उसके ऊपर फेविकोल अप्लाई करेंगे और फिर इसकी एक साइड बनाएंगे. बेटा आपने मैच स्टिक स्लैंटिंग पेस्ट करनी है अब ट्रायंगल बनाने के लिए, ओके? अब हम एक और साइड बनाएंगे इसकी. अब देखो ये ट्रायंगल बन गया ना, स्क्वायर. अब इसके ऊपर क्या बना? ट्रायंगल. अब हम एक और मैच स्टिक लेंगे, उसके ऊपर फिर से फेविकोल अप्लाई करेंगे और उसे जहां ये ट्रायंगल का थर्ड कॉर्नर है ना, इसके साथ इस तरह पेस्ट कर देंगे. जैसे आप स्लीपिंग लाइन लगाते हो ना, उसी तरह पेस्ट करेंगे. बेटा एक और मैच स्टिक लेकर उसके ऊपर फेविकोल अप्लाई करके इसी मैच स्टिक के साथ इसे पेस्ट कर देंगे. लाइक दिस. अब एक और मैच स्टिक लेंगे. अब हम जहां से ट्रायंगल बनाना स्टार्ट किया था ना, वहां पेस्ट करेंगे इस तरह से. और फिर एक और मैच स्टिक लेंगे, फेविकोल अप्लाई करके इसके साथ पेस्ट करेंगे. फिर से एक मैच स्टिक लेंगे, उसके ऊपर फेविकोल अप्लाई करके उसे जहां से हमने स्क्वायर बनाना स्टार्ट किया था ना, उसके साथ पेस्ट करेंगे. Like this. अब एक और मैच स्टिक लेकर उसको इसी के साथ फिर से पेस्ट कर देंगे. Like this. अब एक और मैच स्टिक लेकर फेविकोल अप्लाई करके यहां से यहां देखो, जो ये फर्स्ट लाइन बनाई है ना हमने, जो फर्स्ट स्लीपिंग लाइन बनाई है उसके साथ यहाँ स्लैंटिंग पेस्ट करेंगे. इनको ज्वाइन करना है, ओके? क्योंकि हमने ये हाउस बनाया, हाउस बंद होता है ना, हाउस को बंद करने के लिए हम ये वाले बॉर्डर्स बनाएंगे. अब देखो हाउस बन गया ना. बेटा अब हम इसमें डोर बनाएंगे.
पहले आप एक स्टैंडिंग लाइन लगाओगे, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर से एक स्टैंडिंग लाइन। ये देखो ये डोर बन गया। अब हम यहाँ एक छोटा सा गार्डन बनाएंगे। पहले एक ट्री बनाएंगे। ट्री की ट्रंक कौन से कलर की होती है? ब्राउन कलर की। देखो पहले आप एक क्लॉकवाइज कर्व बनाओगे, फिर अब एक एंटी क्लॉकवाइज कर्व बनाओगे, और फिर इसके ऊपर ग्रीन कलर से अब हम ट्री बना देंगे। पहले एक कर्व, फिर एक कर्व ऊपर की तरफ, अब फिर से एक और कर्व। अब ये क्या बन गया? ट्री। अब हम ट्री के पास क्या बनाएंगे? ग्रास। आप ऐसे ऐसे लाइंस लगा देना, ओके? ये क्या बन जाएगी? ग्रास। अब हम स्काई में क्लाउड्स बनाएंगे। क्लाउड्स बनाने के लिए आप कौन सा कलर यूज करोगे? स्काई ब्लू कलर। बेटा आपने कर्व ही बनाने हैं, ओके? क्लाउड्स बनाने इजी हैं। आप एफर्ट्स करोगे ना आपसे बन जाएंगे। ये देखो सारे कर्व ही तो हैं। बेटा आप ये स्काई में क्या बन गए? क्लाउड्स।